उत्तर प्रदेश राज्य में इन दिनों कोरोना संक्रमण की चपेट में वृद्ध अवस्था के लोगों को ज्यादा देखा जा रहा है। 60 साल से अधिक साल के लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। परिवार में सोशल डिस्टेंसिंग, बाजारों में मास्क लगाकर चलना अनिवार्य है। बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कोई भी संक्रमित हो सकता है। इस कारण स्वास्थ्य विभाग WHO के द्वारा गाइडलाइंस का पालन करना ही भारतीय लोगों का कर्तव्य बनता है। कोरोना संक्रमण से हाल ही में हुई मौतों के आंकड़ों ने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी है। इस कारण सभी लोगों को स्वस्थ रखने के लिए बिना मास्क के पाए जाने पर जुर्माना निर्धारित किया गया है। 200 रुपए जुर्माना प्रति व्यक्ति पर होगा जो बिना मास्क के पाए जाते हैं। 7,788 व्यक्ति की मौत होने से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। मैम, पेंडेमिक कोरोना वायरस के बारे में इस हॉस्पिटल में कैसी क्या गाइडलाइंस चल रही हैं, इस बारे में कुछ बताएंगे आप? हॉस्पिटल के बारे में सबको एक मास्क लगा के रखना है पूरा, उसके बारे में बताया जा रहा है, करवाया जा रहा है। okay. और उसके बाद जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, okay. 2 मीटर की दूरी आपस में बना के रखना है, okay. ये प्रॉपर हमारे यहाँ हो रहा है, okay. और थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है पर पेशेंट की। मैम, शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस में इस हॉस्पिटल में कैसे क्या सिस्टम है थोड़ा बताएंगी? कोरोना से संदर्भित क्या जांच वगैरह चल रही है ऑल टाइम? जांच ऑल टाइम हो रही है, और हम लोग जैसे लेबर रूम में भी हैं तो ये किट रखे हुए हैं। यस मैम, पर पेशेंट का करके तब अंदर जाते हैं। सीजर होना है, नसबंदिंग होना है, जो भी होना है, बिना मतलब प्रॉपर जाँच के नहीं। ओके मैम, कोरोना की टेस्ट करके ही सब कुछ होना। ओके मैम, थैंक यू मैम।